अहले दानिश कहते हैं, ज़िया मुहियुद्दीन को सुनिए, क्योंकि ज़िया को सुनना वक्त का ज़िया नहीं। किताब सुनो की आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इस नामवर और अजीम आर्टिस्ट की कामयाबियों की दास्तान लेकर हाजिर हुए हैं। नाजरीन, अजीम मजाह निगार मुश्ताक यूसुफी ने एक बार कहा था, ज़िया अगर किसी मुर्दा से मुर्दा अदीब की तहरीर भी पढ़ ले तो वो जिंदा हो जाता है। इंग्लिश हो, उर्दू या फारसी, जबान को दुरुस्त तलफ्फुज़ और लबो लहजे से अदा करने का काम ज़िया मुहियुद्दीन से बेहतर कोई नहीं कर सका। वो बैक वक्त एक कामयाब एक्टर, ब्रॉडकास्टर, कंपेयर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। दस्तावेजी फिल्मों को अपनी आवाज दी तो मुहर्रमुल हराम के दौरान मरसिए भी पड़े। ज़िया मुहियुद्दीन का लबो लहजा लफ्जों के लिए आबे हयात जैसी तासीर रखता था। ज़िया मुहियुद्दीन पाकिस्तान की वाहिद अदबी शख्सियत हैं जिनके पढ़ने और बोलने के अंदाज को आलमी शोहरत मिली। आवाज की खनक, अल्फाज का उतार चढ़ाव, शेर पढ़ने का अंदाज ऐसा कि इंसान खो कर रह जाए। दिल करता है कि वो पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। उन्हें सुनकर इंसान को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो भी आला तालीम याफ्ता है। ज़िया साहब ने अदब को बड़े ही अदब से पेश किया है, इसीलिए जिसने ज़िया को सुना उसी का होकर रह गया। नाजरीन, बोलना तो ज़िया साहब को आता ही है, लेकिन खामोश कहाँ होना है और कैसे होना है ये भी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कभी कभी तो उनकी खामोशी अल्फाज से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती। खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश अदा, ज़िया अल्फाज को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अल्फाज को सिर्फ पढ़ते नहीं सुनने वाले के दिल में उतार देते हैं। ज़िया मुहियुद्दीन 20 जून 1931 को लायलपुर यानी फैसलाबाद में पैदा हुए। जिंदगी का कुछ हिस्सा लाहौर और कसूर में भी गुजारा। आजकल कराची में रहायश पजीर हैं। उनका खानदान हरियाणा से ताल्लुक रखता था। वालिद तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे, जिन्हें पाकिस्तान की पहली फिल्म के राइटर और मुकालमा निगार होने का एजाज हासिल था। ज़िया ने बचपन में पहला ड्रामा वालिद खादिम मुहियुद्दीन के जेरे हदायत देवता के नाम से किया। ज़िया मुहियुद्दीन ने 1949 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया। फनून लतीफ़ा से लगाओ उन्हें सात समंदर पार ले गया। उन्होंने इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट से वाबस्तगी इख्तियार की, जहां सदाकारी और अदाकारी का सिलसिला शुरू किया। 1956 में पाकिस्तान वापस लौटे, लेकिन जल्द ही एक स्कॉलरशिप पर डायरेक्शन पर उबूर हासिल करने के लिए दोबारा इंग्लैंड चले गए। 1960 में आलमी शोहरत याफ्ता अदीब फोस्टर के मशहूर नावल ए पैसेज टू इंडिया को रॉयल अकेडमी बर्तानिया में स्टेज पर पेश किया गया, तो ज़िया को भी इसमें काम करने का मौका मिला। उन्होंने डॉक्टर अजीज का किरदार निभाया और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि शायकीन हैरत ज़दा रह गए। इसके बाद उनका शुमार स्टेज के लेजेंड फनकारों में होने लगा। ज़िया मुहियुद्दीन ने मशहूर जमाना हॉलीवुड मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी अदाकारी के जोहर दिखाए। उनकी दीगर हॉलीवुड मूवीज में खरतूम, द सेलर फ्रॉम जिब्राल्टर, बॉम्बे टॉकी और पार्टीशन शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 पाकिस्तानी फिल्मों और 1 भारतीय फिल्म ओ शांति में भी काम किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के माहौल से वो खुश नहीं थे। ये भी हकीकत है कि लॉलीवुड में वो बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन ज़िया मुहियुद्दीन के टीवी ड्रामों ने बड़ी धूम मचाई। उनके टीवी ड्रामों में डेंजर मैन, दी एवेंजर्स, मैन इन ए सूटकेस, डिटेक्टिव, डेथ ऑफ ए प्रिंसेस, द ज्यूल इन द क्राउन और फैमिली शामिल हैं। ज़िया पाकिस्तान में वन मैन शो के खालिक समझे जाते हैं। 70 की दहाई में उन्होंने सरकारी टीवी से ज़िया मुहियुद्दीन शो के नाम से शो किया, जिसे जबरदस्त पजीराई मिली। इस शो के इख्तिताम पर वो एक मुनफरिद डांस किया करते थे जो शायकीन के दिलों को बहुत भाता था। उनके बोलने का अंदाज भी बहुत मुतासिर कुन था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से पायल, चचा छक्कन, ज़िया के साथ
और जो जाने वो जीते जैसे प्रोग्राम पेश किए। पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में इस लेजेंड आर्टिस्ट को आर्ट्स एकेडमी का सरबरा मुकरर किया गया। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद वो मायूस होकर वापस बरतानिया चले गए थे। 80 की दहाई में उन्होंने बरतानिया के शहर बर्मिंगम में दोबारा रहायश इख्तियार की और वहाँ फन आर्ट के हवाले से काम करते रहे। 2004-05 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ज़िया मोहीउद्दीन को कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तश्कील की दावत दी और सरबराह मुकरर किया। नाजरीन, ज़िया मोहीउद्दीन की आवाज़ ही उनकी असल शनाख्त है। खूबसूरत आवाज और इल्हामी लहजे की बदौलत उन्होंने वो मकाम पैदा किया है जो आज तक किसी को नसीब नहीं हो सका। नसर हो, शायरी या डॉक्यूमेंट्री, अव्वलीन इंतखाब ज़िया मोहीउद्दीन ही होते। वो सरता पा ना सिर्फ एक तख्लीकी फनकार हैं बल्कि एक इंतहाई शाइस्ता और महज़ब इंसान हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में उन्हें एक काबिले एहतराम शख्सियत समझा जाता है। बेशक उनकी आवाज़ पाकिस्तान की तारीख की कीमती तरीन आवाज़ों में से एक है। उनका इशार पढ़ने का अंदाज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी बहुत पसंद किया जाता है। आज तकरीबन हर लिखारी का ख्वाब है कि ज़िया मोहीउद्दीन उनके लफ्जों को अपनी आवाज दें। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इस लेजेंड फनकार को हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज रखा है। नाजरीन, ज़िया मोहीउद्दीन को अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और पंजाबी में ज़बरदस्त महारत हासिल है। उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के खतूत जिस अंदाज से पढ़े उससे भी उन्हें बहुत शोहरत मिली। इसके अलावा वो अंग्रेजी जबान में तहरीर किए हुए खतूत भी शानदार तरीके से पढ़ते थे। ज़िया मोहीउद्दीन की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी सरवर जमानी थी जिससे उनके 2 बेटे हैं। 1973 में जब उन्हें PIA आर्ट्स अकेडमी का डायरेक्टर मुकरर किया गया तो इस दौरान उन्होंने नामवर कथक डांसर नाहिद सदीकी से दूसरी शादी कर ली। नाहिद सदीकी से उनका 1 बेटा है। उन्होंने तीसरी शादी 1994 में की और अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत कई शोबों में काबिले कदर मकाम हासिल किया है। ज़िया मोहीउद्दीन 88 बरस के हो चुके हैं, गो के अब टीवी पर इतना नहीं आते लेकिन ज़ईफुल उम्री के बावजूद आर्ट के लिए सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। फन के तलबा के लिए वो किसी एकेडमी से कम नहीं।